दुनिया छोड़ के जा रहा हूं अमृत। वीर 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 आगे खोलिए वीर, ये क्या हो गया वीर? वीर आगे खोलिए वीर, देख वीर। हम बता दिए एक्शन वीर, क्या हुआ है इन्हें? अमृत आप घबराइए मत, क्योंकि इनके शरीर पे कोई भी चोट का निशान नहीं, लगता है सिर्फ बेहोश हुए हैं। तो जल्दी इन्हें घर लेकर चलते हैं। चल। अब रणधीर। हाँ। वो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि वीर को हमारे बारे में पता चल गया, इसीलिए उन्होंने वो हमारी लिखावट में वो चिट्ठियां लिखी थी। शायद हमें रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे ये। शायद इन्हें पता चल गया है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो आप ही हैं। लेकिन हमने कोई चोरी नहीं की अमृत, आप वीर को बता चुकी थी ना कि आपका कोई मंगेतर था, आप उससे प्यार करती थी और उसका इंतजार कर रही थी। वीर बाबा, क्या हुआ वीर बाबा को? कुछ नहीं बाबू दादा, बस बेहोश हो गए। इन्हें जल्दी से घर लेकर चलिए। आप उठाइए, मैं इधर से उठाता हूँ। रुकिए, संभाल, उठाइए। संभाल कर। किसी ने देख लिया तो? मैं तो बस खिड़की खोल रही थी। अच्छा, तेरे को मालूम है ना रणधीर ने कितनी मुश्किल से कितना जोखिम उठा के हमें यहाँ रखा है। देख, मैं नहीं चाहता कि रणधीर पे किसी भी तरह की तकलीफ या मुसीबत आए। जब तक लाला और उसके गुंडों का खतरा हम पर से टल नहीं जाता ना, हम चुपचाप यहीं पर रहेंगे। जैसे ही खतरा कम होगा हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। ठीक है, रणधीर अपने क्वार्टर पे है कि नहीं? ये अभी तक चाकरी कर रहा अपनी रानी माँ की। यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, मैं रणधीर जी को बुला कर लाता हूँ। इतना टाइम नहीं मेरे पास, तुम्हारे पास दूसरी चाबी है ना? ताला खोलो। ये तो रणधीर जी का कमरा है। ये तो ज्यादा पढ़ निकल रहे तेरे। हाँ, ताला खोल वरना तुझे खोल के रख दूंगा। खोल ताला, खोल। मुझे पता लगाना होगा कहीं नई हवेली के संबंध में नन्नी देवी ने कोई सौदा तो नहीं किया है। अगर ऐसा है तो रणधीर के कमरे में उसके कागजात जरूर होंगे। जल्दी चलिए, वीर बाबा की तबीयत खराब है। कैसे हुआ ये सब? क्या हुआ इन्हें? वीर ठीक तो है ना? अब संभालिए खुद को। तुम थी ना वहां पे, तो चोट कैसे लगी? ये गिर कैसे गए? बेहोश कैसे हो गए? रानी माँ संभालिए अपने आप को। देखिए वो क्या है ना कि चोट से ज्यादा शराब का असर है, एक बार नशा उतर जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। रणधीर कह रहे हैं ना कि इनको कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा चोट नहीं लगी है, फिर आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? रणधीर आप आइए मेरे साथ, इनको इनके कमरे में पहुंचाने में मदद कीजिए। आइए। भाभी मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। रानी माँ आप चिंता मत कीजिए,
मैं जाकर उन्हें देखती हूँ। अगर देखा होता तो ये हालत नहीं होती हमारे बेटे की। हम अपने बेटे से नाराज रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे कोई जवाब नहीं मांगेंगे। हमारा बेटा कितने भी नशे में हो, उनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज के बाद अगर वीर को एक खरोच भी आई तो हम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कसूरवार ठहराएंगे। चलिए रणधीर, अब इन्हें आराम करने दीजिए, आप भी थक गए होंगे, चलिए। पर जनाब, इनको वीर साहब के पास अकेले, मतलब? नहीं, घर में नौकर चाकर है, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं उनसे मांग लूंगी। लेकिन अगर मैं रुक जाऊंगा तो कोई? आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, वीर का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा लूंगी। चलिए जी। कफन उड़ा के भागना चाहती थी। मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैं कहीं नहीं भागूंगी, कहां भागूंगी मैं? रणधीर रायजादा तुम्हारे मंगेतर के साथ, बाकी के तीन फेरे पूरे करने। हम सब जानते हैं वीर साहब, हमने सब सुन लिया है। ऐसे ही घुटन हो रही थी हमें, जब हमें लगा कि आप हमें धोखा देके भागने वाली हो, ऐसे ही घुटन हुई थी हमें। सांसें रुक गई थी हमारी। हालातों का मुकाबला करना नहीं आता वो हालातों से भागते हैं वीर साहब। हाँ ये सच है कि मैंने आपका दिल ना दुखे इसलिए ये बात आपसे छुपाई। हाँ रणधीर मेरे मंगेतर हैं और आज भी मैं उनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना लाहौर में करती थी। पर एक सच ये भी है कि मैंने आपसे वादा किया कि मैं इस रिश्ते से नहीं भागूंगी तो नहीं भागूंगी। रणधीर मेरा प्यार है और आप मेरी जिम्मेदारी, और लालाजी की बेटी ने कभी जिम्मेदारियों से भागना सीखा ही नहीं। बेवकूफ किसी और को बनाना, रणधीर का जानबूझ के इस महल में आके रहना, तुम्हारा आधी आधी रात को उसको जाके मिलना, ब्लाउज का हुक खुला होना और सारा दिन उसके बारे में आए भरना, यादों में खोए रहना, और तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा यकीन करें? कैसे मान लें कि तुम उसके लिए हमारे मुंह पे कालीद पोत के हमें धोखा देके नहीं जाओगी यहां से? अरे अपने बारे में जितनी तारीफ करनी है करो, पर हम यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि तुम क्या दुनिया की कोई भी लड़की इतनी महान नहीं हो सकती। मैं खुद को हमेशा वैसा ही दिखाती हूँ वीर साहब, जैसी मैं हूँ, मानना ना मानना ये आपके ऊपर। एक तरीका है जिससे तुम हमें भरोसा दिला सकती हो कि उस रणधीर के लिए हमें छोड़ के नहीं जाओगी। कैसा तरीका? एक रात के लिए हमारी पत्नी बनके हमारे साथ संबंध बनाना होगा तुम्हें। हम जानते थे कि यही जवाब होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम हमारे लिए उसे नहीं छोड़ सकती, पर तुम्हें ऐसा करना होगा। इस घर में
तुम हमारी पत्नी बनकर आई हो, तुम हमारी जागीर हो और हम अपने नाम की मोहर लगा कर रहेंगे तुम पे। तुम्हारा शरीर हासिल करके ना ही सही पर तुम्हारे शरीर पे हमारा नाम लिखकर ही सही। वीर, 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 वीर देखिए आप बहुत गुस्से में, आप होश में नहीं और आपने बहुत शराब पी रखी है। वीर, 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 मैं जानती हूँ आप दिल के बुरे नहीं, पर जब तक आप वीर, कल जब आपका गुस्सा उतरेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। वीर, वीर, मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। वीर, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक नहीं। वीर, हिम्मत कैसे हुई अमृत को हाथ लगाने की? आप माफी मांग मुझसे उसके पैरों में गिर के। वीर, इसकी अच्छाई को तो इसकी कमजोरी समझ रहा है वीर। जो लड़की अपना वजन निभाने के लिए अपने प्यार को छोड़ सकती है, अरे तुझ जैसे इंसान के साथ रह सकती है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा? अरे जैसा हम चाहेंगे ना वैसा करेंगे उसके साथ। ये हमारी पत्नी, हमारी जागीर है, तू कौन होता है? मेरी अमृत किसी की जागीर नहीं है, समझा तू? और क्या शादी की बात कर रहे हैं? कौन सी शादी? तेरी शादी का पूरा सच जानता हूं मैं। ना अग्नि के सामने तुम्हारे फेरे हुए हैं और ना इसकी तुमने मांग में सिंदूर भरा है। अरे तुम्हें तो इसका एहसान मानना चाहिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये तुम्हारा साथ दे रही है। लेकिन वीर, मैं अमृत नहीं हूं। अगर आज के बाद इसके शरीर पे एक भी खरोच आई या इसके माथे पे एक भी शिकंज आई तो कसम अपने प्यार की मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। और मैं सिर्फ रानी मां कोई नहीं बल्कि इस महल में रहने वाले हर एक शख्स को तेरी शादी की असलियत बता दूंगा। क्या बताएगा? किस असलियत की बात कर रहे हैं आप रणधीर? क्या बात बताएंगे आप सबको? ये चल क्या रहा है आपके बीच में? वीर जी, कुछ नहीं हुआ है रानी माँ। वो वीर सोए हुए थे और दरवाजा अटक गया था तो मैं बहुत घबरा गई थी, तो मैंने मदद के लिए बाहर आवाज लगाई किसी को, तो रणधीर आ गए और उन्होंने मदद करने के लिए दरवाजे को तोड़ दिया। उतने में वीर की नींद खुल गई और उन्हें लगा कि चोर आया है, इसलिए उन्होंने रणधीर का कॉलर पकड़ लिया। बस इसी असलियत को बताने की बात कर रहे थे रणधीर। वीर, बताइए कि सब ठीक है, बताइए कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ, यही सच्चाई है। नींद और नशे में थे हम, आवाज सुनाई दी, हम कूदे, हमें नहीं समझ में आया कि ये चोर नहीं रणधीर है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। रणधीर, आप आपके क्वार्टर्स में जाके आराम कीजिए। जी रानी जी। वैसे दरवाजे का लॉक खराब हो गया है वीर साहब, तो इसको बंद करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे फिर से आना पड़ेगा मदद करने के लिए। ख्याल रखिए। इरादा आपको धमकी देने का नहीं था। कोई कुछ भी कहे, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, हमारी शादी झूठी है ये किसी को पता नहीं चलेगा।
आप बहुत थक गए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। अमृत, जी आप ठीक है ना? कल तो आपने मुझे मेरे पुराने वाले वक्त की याद दिला दी, वरना मैं तो भूल ही गई थी कि कोई मेरी भी फिक्र करता है। खुशकिस्मत हूं जो आपके आसपास हूं, और जब तक मैं आसपास हूं ना, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं कर सकता। लेकिन कल आपको रानी मां के सामने ऐसे वीर की तरफदारी नहीं करनी चाहिए थी। अब अमृत तो वैसा ही करेगी ना, जैसी वो है। ये क्या है? ये बंबई जाने के 2 टिकट्स। नहीं रणधीर, मैं ऐसे भाग नहीं सकती। मैं वीर को धोखा नहीं दे सकती। हाँ माना कि वो गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा कर बैठते हैं, पर वो दिल के बुरे नहीं है। उन्हें हमेशा अपनी जिंदगी में सिर्फ धोखा ही मिला। अब अगर मैंने भी उन्हें धोखा दे दिया तो बस। मैं जानता हूँ कि अमृत जैसी है बिल्कुल वैसा ही करेगी, लेकिन ये 2 टिकट्स ना हमारे लिए नहीं है। ये टिकट्स उन दोनों के लिए है। जी वशमा, आप दोनों यहाँ कैसे? छुड़ा लाया तेरा भाई मुझे उस कैद खाने से। हम चारों एक साथ, एकदम सपने जैसा लग रहा है ना। तो जी भर के देख ले इस सपने को, क्योंकि तेरी आंखें खुलने वाली हैं और तेरा ये सपना टूटने वाला है। जा रहे हम दोनों हमेशा के लिए, क्योंकि उन गुंडों से बचने का और कोई तरीका ही नहीं हमारे पास। और इसलिए हमने फैसला किया कि हम बंबई चले जाएंगे। और खबरदार जो मेरे सपने में आई, तो पता है ना हम बॉम्बे वालों के पास फालतू का वक्त नहीं होता। हाँ हाँ, तो हम दिल्ली वाले क्या खाली बैठे होते हैं? इतनी सी भी याद नहीं आएगी तेरी। और अगर याद आई तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाना है मैंने तेरे पास बंबई। रणधीर साहब, भानुवीर जी ने देख लिया तो रणधीर साहब दिक्कत हो जाएगी। तुम लोग फिक्र मत करो, एक काम करो, तुम लोग यहां से निकलो, मैं इन्हें देखता हूं। ये लो टिकट्स लो। ख्याल रख। चल 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 वशमा, जाओ उधर जाओ, लेके जाओ। कितनी खुशी मिल रही है ना दोनों को एक साथ देखकर। बस किसी की नजर ना लगे इनके प्यार को। और हमारा प्यार, उसे कब तक नजर लगी रहेगी अमृत? अब रणधीर, मैं तैयार हो जाती हूँ। रामनवमी की पूजा शुरू होने वाली होगी। माफी नहीं मांगी उसने आपसे? गलती कर माफी मांगने की गलती करने की आदत बड़े लोगों की नहीं होती, और हर कोई रणधीर नहीं होता है, इतना तो मैं भी समझ गई हूँ। Thank you.
इस बड़े आदमी को उसके किए की सजा तो जरूर मिल गई रहेगी अमृत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।